नमस्कार, सुबह की राम राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव और मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। अगले एक घंटे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, इसके साथ ही कुछ वायरल वीडियोस भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भारत सरकार ने तुर्की और सीरिया के लिए भेजी मदद। C-17 ग्लोब मास्टर को रेस्क्यू टीम के साथ तुर्की भेजा गया। आपातकालीन सहायता लेकर सीरिया के लिए भी प्लेन रवाना। भूकंप के बाद मदद के लिए सीरिया के राजदूत ने भारत का धन्यवाद किया। बोले, बेहतर भविष्य की तलाश कर रहे लोगों की आवाज बनेगा भारत। तुर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक 7,800 से ज्यादा मौत। तुर्की में इमरजेंसी घोषित, 3 महीनों तक रहेगा आपातकाल। सीरिया में भूकंप के बाद WHO ने दुनिया भर के देशों से की अपील। सीरिया को ज्यादा से ज्यादा मानवीय सहायता भेजने की अपील। सीरिया के ओलप्पो में भूकंप के बाद तबाही का मंजर। अपने घर बर्बाद होने के बाद भीषण ठंड में ठिकाना तलाशते दिखे लोग। शेल्टर होम में किसी तरह बिता रहे हैं वक्त। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम करीब 4 बजे लोकसभा में बोलेंगे PM। संसद में गांधी परिवार पर जमकर बरसी स्मृति ईरानी। कहा, 50 साल तक परिवार ने किया राज। मोदी सरकार आने के बाद अमेठी में विकास हुआ। अडानी को लेकर संसद में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। प्रधानमंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, अडानी को एयरपोर्ट देने के लिए नियम बदले गए। अडानी के PM मोदी के साथ रिश्तों का सवाल। राहुल गांधी ने कहा, अमीरों की लिस्ट में 2 नंबर पर पैसा आए कैसे आए अडानी, ये भारत नहीं अडानी की फॉरेन पॉलिसी है। राहुल के आरोपों पर BJP का पलटवार। किरण रिजिजू बोले, सबूत पेश करे राहुल गांधी। रविशंकर प्रसाद ने कहा, गांधी परिवार का काम भ्रष्टाचार करना है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा के बयान पर हंगामा। महुआ पर असंसदीय शब्द के इस्तेमाल का आरोप। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने की माफी की मांग। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में तैयारियां जारी। MCD ने 12 जोन में विशेष अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया। त्रिपुरा में लगातार दूसरे दिन CM योगी करेंगे चुनाव प्रचार। त्रिपुरा की 60 सीटों पर 16 फरवरी को मतदान। वामपंथी उग्रवाद पर गृह मंत्रालय की बैठक। अमित शाह ने कहा, PM के नेतृत्व में उग्रवाद से निपटने के लिए बनाई गई 3 सूत्रीय नीतियां। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर CDS जनरल चौहान का बड़ा बयान। बोले, रक्षा निर्माण में भी महाशक्ति बन सकता है भारत। लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर करने की मांग तेज। प्रतापगढ़ से BJP सांसद संगम लाल गुप्ता ने PM गृह मंत्री और CM योगी को लिखी चिट्ठी। कहा, 18वीं सदी में लक्ष्मणपुर का नाम बदलकर किया गया था लखनऊ। अखिलेश ने की शिवपाल यादव से मुलाकात। चाचा के घर पहुंचे थे अखिलेश। प्रदेश कार्यकारिणी के मुद्दे पर हुई चर्चा। आदित्य को भी मिलेगी अहम जिम्मेदारी। दिल्ली नगर निगम में मेयर पद के उम्मीदवार शैली ओबरॉय की सुप्रीम कोर्ट से अर्जी। जल्द से जल्द मेयर चुनाव करवाने की मांग। अभिनेत्री राखी सावंत के पति आदिल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राखी सावंत ने दर्ज कराई थी शिकायत, पति पर धोखाधड़ी के आरोप। कियारा सिद्धार्थ की शादी की पहली तस्वीर आई सामने। बोले, हमारी परमानेंट बुकिंग हो गई है।